तो आज का है टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये काफ़ी टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और मुश्किल भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ होता है। मैंने आपको बताया है कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस में मैट्रिसेस का काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एम बाई एन एंड बी इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन बाई के, देन द प्रोडक्ट ए बी इज़ अ न्यू मैट्रिक्स सी ऑफ द ऑर्डर एम बाई के। तो इसमें खास बात क्या है कि अगर हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जिसकी जैसे हम बात कर रहे हैं, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये हमें पता है कि ये ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रोज़ है बाद में कॉलम्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इनका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा एम बाई के का। तो द प्रोडक्ट ए बी इज़ अ न्यू मैट्रिक्स सी ऑफ द ऑर्डर एम बाई के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो वही है कि एक जो बेसिक कंडीशन जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मैट्रिक्स जिसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स कहते हैं, शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मैट्रिक्स यानी कि सेकंड मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये क्यूमुलेटिव नहीं होती, यानी कि अगर हमने ए बी निकाला है, मतलब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है ए बी को, तो ए बी ज़रूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो। तो ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये हमने डाटा लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ए एक मैट्रिक्स है, ये इसके एलिमेंट्स हैं 4, 3, 5, 2, 6, 1, ये 3 बाई 2, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स इसका ऑर्डर है, और ये बी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स 2 हैं, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये इसका मतलब द मल्टीप्लीकेशन इज़ पॉसिबल। तो दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट हैं हमने सेकेंड मैट्रिक्स के जो रोज़ के एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 8, 4 × 8 देन प्लस 2 × 4। मतलब आप अगर इसको याद रखना हो तो ये रो 4 और 3 कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, उसको हमने रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड रो, या इसको आप 7, आप इसको याद रख सकते हैं 7। 7 का मतलब कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमने ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो सिमिलरली अगेन 4 × 10, 3 × 7, दोनों को आपस में ऐड किया, अगेन 4 × 9 प्लस 3 × 6। उसके बाद फिर अगेन प्रोसीजर 5 × इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 × 8 प्लस 2 × 4, 5, 8, 2, 4, अगेन 5, 10, 2, 7, 5, 10, 2, 7, अगेन 5, 9, 2, 6, 5, 9, 2, 6, तो आपस में ऐड कर दी, 6, 8, 1, 4, 6, 8, 1, 4, अगेन 6, 10, 1, 7, 6, 10, 1, 7, 6, 9, 1, 6, 6, 9, 1, 6। तो हमने इसको आपस में ऐड कर दिया, 32 + 12 = 44 आ गए, 40 + 21 = 61 आ गए, 36 + 18 = 54, 40 + 8 = 48, 50 + 14 = 64, 45 + 12। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट लिख दिए। अब ये इसका जो नया ऑर्डर है, ये एक 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या बना, 3
ये 3 3, यानी कि एम और के, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था, जो ऑर्डर नया बनेगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का ऑर्डर बनेगा 3 बाई 3 का। इसी तरीके से अगर एक और छोटी सी एग्जांपल करें, ये किया हुआ है हमने, ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। बी इज़ अनदर मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ ये बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अगेन आपने जो है वो 7 7 याद रखो, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, तो 3 इंटू 2, अगेन 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, अगेन -4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 5 इंटू 2, अगेन -4 इंटू 3, 2 इंटू 5, यहाँ पे 5, और 5 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 -8 6, 3 -10 3, -8 8 10, -12 10, और ये 5, तो इनको हमने सिंपलीफाई किया, ये तो +8 -8 0, -10 +6 -4, ये 10 आ गया, और ये -12 +15, ये 3 आ गया। तो ये इसका जो ऑर्डर बना वो 2 बाई 2 का ऑर्डर बना, यानी कि इसकी रोज और इसके कॉल। तो ये प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का। इसके अलावा अगर जो मैट्रिक्स हैं अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स है या 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है।